Hey guys, please subscribe IAS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास के इस नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये लेक्चर एनसीईआरटी बेस को आधार रखकर बनाया है और इससे पहले मैंने वैदिक व्यवस्था के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात किया था वैदिक काल के। आज हम लोग उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो काफी बड़ा रहा है और जब आर्यों ने सभ्यता की आधारशिला रखी तो उनको अपने इस विस्तार के दौरान संघर्ष का सामना करना पड़ा, उन्हें संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष जो था जिनसे हुआ उन्हें अनार्य कहा जाता था। और इस युद्ध के बारे में जो माना जाता है कि अनार्य भारत के मूल निवासी थे और जो आर्य थे वो बाहर से आए हुए थे, तो ऐसी कंडीशन में एक संघर्ष हुआ और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के सातवें मंडल में इसका हमें जो है उल्लेख मिलता है और उसमें इस युद्ध को दशराग का युद्ध कहा जाता है। और माना जाता है कि दशराग के युद्ध में जो है प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य इन लोगों ने युद्ध किया और ये इस युद्ध का जो स्थान था वो रावी नदी, जिसे प्राचीन काल में पुरुषणी कहा जाता था, उसके किनारे लड़ा गया था। और यहां पर माना जाता है कि भारत कबीले का जो राजा था सुदास, उसने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया और भरत कुल, उनका जो कुल था भरत, उसकी उन्होंने जो है वो एक जिसे कहते हैं कि सुप्रीमेसी को, अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखते हुए उसकी स्थापना की। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का जो है वो व्याख्या मिलती है, उसका जो है आधारशिला रखी जाती है। पहला है पुरु, दूसरा युद्ध, तीसरा तुर्वश, अजु और प्रहयु। तो ये पुरु, युद्ध, तुर्वश, अजु और प्रहयु, इनका जो हमें उल्लेख मिलता है और इन्हें पंचजन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कबीलियाई व्यवस्था, जो कबीलाई व्यवस्था होती है, उस पर आधारित थी और ये लोग जो है वो जनों और कबीलों में विभाजित थे। राइट, अगर प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, तो गोप जो होता था वो कबीले के राजा के रूप में माना जाता था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक कहा जाता था, जिसे हम लोग गोप्ता जनस्य कहते थे। और राजा का ही एक और नाम होता था पुरनभेत्ता। पुरनभेत्ता का मतलब होता है जो नगरों पर विजय प्राप्त करते, वो राजा को पुरनभेत्ता और उसका संरक्षक यानी गोप्ता जनस्य कहा जाता था। अब राजा अपना कार्यकाल कैसे संभालता था, तो उसके कुछ सहयोगी होते थे जो उसकी प्रशासन में सहायता करते थे। तो ऋग्वेद में इनका नाम जो है सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श और दूत, ये जो है प्रमुख पद हुआ करते थे। मैं दोबारा इसको जो रिवाइज कर रहा हूं, सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श और दूत, ये सभी जो है ये शासकीय अधिकारी थे जो राजा की मदद करते थे निर्णय लेने में। अगर ये सभी जो है वो राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और राजा के हाथ में इनकी नियुक्ति और निलंबन का अधिकार होता था, यानी राजा इनको अपॉइंट कर सकता था और इन्हें हटा सकता था। ऋग्वेद में कुछ और जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है, जैसे सभा, समिति और विदथ, ये सभी जो है वो कबीलाई परिषद हुआ करती थी जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। सवाल है कि क्या इस समय महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं? तो इस काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं और सभा और विदत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी मानी जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी प्राचीन व्यवस्थाओं में महिलाओं को भी राजनीति में जो है वो पर्याप्त स्थान दिया गया था। अगर हम बात करें तो सभा क्या होती थी, जैसे सभा माना जाता था ये श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं और अभिजात्य लोग हैं इनकी संस्था होती थी। समिति का क्या काम होता था, समिति बेसिकली एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, अब समिति का जो काम होता था वो राजा की नियुक्ति, यानी इसका जो राजा कौन होगा उसको अपने पद से हटाने, उसके कामों पर नियंत्रण रखने का जो है वो काम करती थी। राइट, और माना जाता था जो समिति थी वो लोगों की संस्था थी, यानी जनतांत्रिक संस्था थी, उसमें प्रजा की संस्था मानी जाती थी, ये प्रजा के प्रति जो है उत्तरदायी रहती थी। यानी हम यहां कह सकते हैं कि भारत में बहुत पहले ही प्रजातांत्रिक जो है वो स्थापनाओं का जो है आधार रखा जा चुका था और आज भी हम जो है वो लोकतंत्र को अपना बेस मानते हैं और पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम उसको जो है वो सबसे अपना बेसिक आधार मानते हैं। अब अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था कैसी रही है, तो न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं थी और वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था, दे आर नोन एज प्रश्न विनाक।
और माना जाता था कि न्याय व्यवस्था जो है वर्ग पर आधारित थी, यानी जो आर्यों ने वर्ग व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दिया था। जैसे अगर हत्या जैसा कोई अगर अपराध होता था तो उसमें सजा के साथ साथ जो है वो माना जाता था कि 100 ग्रंथों का दान दिया जाता था। ब्रह्म हत्या जो है अपराध मानी जाती थी, इस तरह अगर हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती थी, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब राजा जो है वो ये नहीं हो सकता कि मैं मालिक हूं पूरी भूमि का। भूमि का जो स्वामित्व होता था वो जनता के अंदर जुड़ा हुआ था, जनता जो है वो भूमि का स्वामित्व होती थी। ये डेमोक्रेसी का बेस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, अगर हम और छोटी इकाइयों में यानी राज दरबार से निकलकर हम सामाजिक इकाइयों की तरफ पहुंचे तो जो पूरा समाज की जो शासन इकाई थी वो ग्राम, विश और जन, ये जो है वो बेसिक शासन की यूनिट हुआ करती थी। यानी ग्राम, विश और जन। ग्राम माना जाता था कि ये कई परिवारों का समूह होता था, विश के बारे में कहा जाता था ये कई गांवों का समूह होता था, और जन जो होता था वो कई विषों का समूह होता था, राइट। तो ये बेसिकली जो है वो बेसिक इकाइयां हुआ करती थी संस्था की। इसके बाद अगर हम बात करें कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो है वो विदत के रूप में जानी जाती थी, सबसे प्राचीन संस्था थी जो सबसे स्थापित संस्था के रूप में जानी जाती थी। अब अगर हम बात करें तो वैदिक काल के जो शासन के जो अधिकारी थे उनको किस किस रूप में जाना जाता था, आज वर्तमान में किस रूप में वो जाने जाते हैं। जैसे जो राजा का मुख्य परामर्शदाता मेन एडवाइजर होता था, जैसे आज भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फॉरेन रिलेशनशिप एडवाइजर हैं, उसी तरह एक जो है राजा का एक मुख्य एडवाइजर होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था, बहुत सम्माननीय पद हुआ करता था। इसी तरह जो परिवार का प्रधान होता था उसको कुलपति कहते थे। इसी प्रकार चरागाह का जो अधिकारी, जो ग्रेजिंग होती थी, चूंकि उस समय पशुधन बहुत महत्वपूर्ण होता था, तो उसको ब्राजपति के नाम से जाना जाता था। जो दुर्ग का अधिकारी होता था उसको पुरुष के नाम से जानते थे, ये पुरुष है। सेनापति को जो है सेनानी के नाम से जाना जाता था, इसका जो काम होता था वो सेना को लीड करने का होता था। जो विश्व का प्रधान होता था उसको विश्वपति के नाम से जानते थे। जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्रामणी कहते थे। इसी प्रकार जो पुलिस व्यवस्था को हेड करता था उसको उग्र के नाम से जानते थे, यानी उसको जो है अरेस्ट करने का जो है दंड देने का उसके पास अधिकार होता था, उसको पुलिस यानी उग्र, उसको हम लोग उग्र बोलते थे। और जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आज मिनिस्ट्री होती, जो सूचनाओं को प्रेषित करता है वो दूत हुआ करता था, जो सूचनाओं को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाता था। और जो एक बहुत ही शासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो गुप्तचर यानी कि जो हमारी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है उस तरह गुप्तचर व्यवस्था होती है, उसको स्पर्श के नाम से जानते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसको हम लोग स्पर्श के नाम से समझते थे जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है प्राचीनकालीन व्यवस्था में इसको क्या नाम दिया जाता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट रहा, उम्मीद है इससे आपको एक नया आयाम मिला होगा, आप नई सेगमेंट को डील कर पाएंगे। इनको जो है नोट्स बनाइए, इसको याद करिए, और जल्दी ही ओजांग आईएएस एकेडमी एनसीईआरटी का बैच शुरू कर रही है जो कि आपकी पढ़ाई में एक बहुत माइलस्टोन हो सकता है। और देश की सबसे बेस्ट टीम जो है वो एनसीईआरटी बैच को लॉन्च कर रही है, जो पूरी हमारी टीम है वो इसके साथ आ रही है, और आपको बहुत इसमें जो है वो एनहांसमेंट मिलेगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और इसी तरह के अन्य जो है लेक्चर्स के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। नमस्कार।